तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बैकलिंक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो या डू फॉलो। आप देख पा रहे होंगे गाइस, कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी डोफॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके साथ में गाइस आज की वीडियो में जो मैं आपको जो बैकलिंक्स के बारे में बताऊंगा, वहां से आप अनलिमिटेड बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो, मीन्स अनलिमिटेड, और जिसका डीए जो है वो 90 प्लस रहेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है, जिसका नाम है एसईओ स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस पे बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर एसईओ के वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत जल्दी 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो गाइस आप सबका सपोर्ट चाहिए, और उसके साथ में गाइस आप जो है नोटिफिकेशन में ऑन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बंदे ये भी कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो आती नहीं है। तो गाइस वीडियो तभी आएगी अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे। जब जब मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा तब आपके पास नोटिफाई होता रहेगा। तो गाइस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर करा करो, और गाइस उसके साथ में गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड क्रिएट कर पाऊँ। जितना ज़्यादा आप मुझे कमेंट करोगे उसके रिलेटेड मैं वीडियोज बनाते रहूँगा, जिससे क्या होगा गाइस आपको भी अच्छा खासा क्वालिटी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। और उसके साथ में गाइस अगर आप चैनल पर विजिट करोगे आपको जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। जितने भी ऑफ पेज एसईओ ऑफ पेज में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, चाहे वो आर्टिकल सबमिशन हो, चाहे वो इमेज सबमिशन, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग क्यों ना हो, चाहे वो वेब 2.0 सबमिशन क्यों ना हो, आपको जो है प्रॉपर लिस्ट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप सारी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो, उसके बाद उसको अप्लाई जरूर करना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा गाइस मैंने रिसेंटली एक कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट करा था कि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने डिमांड करा था वो अनलिमिटेड गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। तो गाइस उसके ऊपर वीडियो आ चुका है, जल्दी से जाओ, वीडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक वेबसाइट है विक्स करके, जहाँ पे आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, अनलिमिटेड पोस्ट आप कर सकते हो, और जितने भी पोस्ट आप करोगे सारे डू फॉलो बैकलिंक्स होंगे, वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले गाइस इस वेबसाइट का जो है ना हम देखते हैं कि इस वेबसाइट का डीए पीए स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग क्या चल रहा है। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस वेबसाइट का जो डीए जो है वो है 93 और पीए आप देख सकते हो 81 और स्पैम स्कोर खाली 1%। और ये जो वेबसाइट जो है ऑलमोस्ट 27 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट की अगर मैं एलेक्सा की बात करूँ तो गाइस आप देख पा रहे होंगे एलेक्सा मात्र 154 है, और वो भी यूएसए कंट्री का। तो गाइस आप समझ सकते हो कि यूएसए का ट्रैफिक इसमें कितना ज़्यादा आता होगा, ट्रैफिक भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले गाइस इस वेबसाइट का डोमेन रेटिंग की अगर मैं बात करूँ जिसको हम बोलते हैं डीआर, तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस इस वेबसाइट का जो डोमेन रेटिंग जो है वो है 95। इसके अलावा गाइस इस वेबसाइट का अगर मैं ट्रैफिक की अगर मैं बात करूँ तो गाइस उसके लिए जो है मैं सिमिलर वेब टूल मैं यूज़ करूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइस इस वेबसाइट में जो ट्रैफिक जो है वो है 51.59 का मिलियंस का ट्रैफिक है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो है यूएसए, फिर यूके, फिर उसके बाद ब्राज़ील भी है, उसके बाद इंडिया भी है। तो गाइस इंडिया से जो है डे बाय डे ट्रैफिक इंक्रीज भी हो रहा है। अगर मैं ट्रैफिक सोर्स की अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो है डायरेक्ट से, और उसके बाद सर्च इंजन से। तो गाइस आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वेबसाइट है और कितनी ज़्यादा ट्रस्टेबल वेबसाइट है वो आपको पता चल गया होगा। अब इस वेबसाइट में बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइस यहाँ से जो है वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो मैं बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करूँ तो गाइस यहां पे जो मैं टेम्प मेल को भी यूज करूंगा। अगर आप चाहो तो गाइस आप अपना ईमेल आईडी भी आप यूज कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो है साइन इन पे आपको क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूं, मैं प्रैक्टिकली मैं आपको एक एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं कर नहीं पा रहा, मैं बना नहीं पा रहा। तो गाइस ये वीडियो पूरा देखोगे तो गाइस आपको बैकलिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली आपको लॉग इन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे आपके पास जो है साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहां पे मैंने साइन पे क्लिक कर दिया। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपको सिंपली आपका जो ईमेल आईडी होगा और आपका पासवर्ड होगा वो चीज आपको यहां पे एंटर करना होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो ईमेल आईडी आपको टाइप करना पड़ेगा,
पहले जो ईमेल आईडी होगा वो कॉपी पेस्ट कर लेना, और दूसरे टाइम जब आप ईमेल आईडी डालोगे वो आपको टाइप करके डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइन अप पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप चाहो तो गाइस आप अपने फेसबुक अकाउंट से या गूगल से भी आप डायरेक्टली आप साइन अप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपको बस प्रैक्टिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मैनुअली आपको साइन अप कैसे करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा साइन अप हो चुका है। साइन अप होने के बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आएगा। तो गाइस मेल पे जाने से पहले जो है यहाँ पे जो गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट जो है ब्लॉक के रिलेटेड हो, या आप आपकी जो वेबसाइट होगी वो सर्विस के रिलेटेड होगी, या इमेजेस के रिलेटेड होगी, या वीडियोस के रिलेटेड हो सकती है। तो गाइस अपना जो भी आपका जो नीच होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ब्लॉग करके सेलेक्ट कर लिया, और मेरा ब्लॉग पे कौन से टाइप का ब्लॉग होगा वो भी चीज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आप अपने ब्लॉग में क्या क्या चाहिए आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने वीडियो करके सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ब्लॉग करके सेलेक्ट कर दिया। मेरा जो कॉन्टैक्ट है, जो फॉर्म है, चैट है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको जाना होगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल्का सा लोड हो रहा है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि आप क्या होगा फर्स्ट टाइम आप वेबसाइट बना रहे हो या बहुत बार बना चुके हो। तो गाइस फर्स्ट टाइम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएगा, आपको बस स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है, चूज टेम्पलेट पे नहीं जाना है। तो गाइस जैसे आप स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे जो है थोड़ी सी लोडिंग होगा। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ब्लॉग, मीन्स आप अपना ब्लॉग के लिए क्या नाम आप रखना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बैकलिंक सैंपल करके, और उसके बाद जो भी आपका जो वेबसाइट होगा उस वेबसाइट का नाम आप रख सकते हो, या जो भी आपका जो कीवर्ड होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, वेबसाइट का यूआरएल हो गया, या गूगल में बिजनेस का जो मैप का जो यूआरएल होता है वो भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो गाइस मेरे पास अभी कुछ नहीं है तो गाइस मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी थीम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कोई भी थीम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके पास कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा लोडिंग होगा, और जैसे आप लोडिंग होगा तो गाइस उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है पिक योर फेवरेट होम पेज का ऑप्शन मिलेगा। मीन्स आपके पास जो है तीन टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा, तीन टेम्पलेट में से आप कोई भी एक टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस मैं कोई भी एक टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा कि आप अपने वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस को आप ऐड करना चाह रहे हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, या वीडियोस का ऑप्शन आ गया। तो गाइस ये सारे ऑप्शन है। तो गाइस इनमें से आप जो जो पेजेस आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो पेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको बस कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है। उससे पहले गाइस एक मेल भी आएगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस स्टैम्प मेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप अपना पर्सनल मेल आईडी यूज़ करोगे तो गाइस यहाँ पे भी वहाँ पे भी आपके पास मेल आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है इनबॉक्स में मेल आ जाता है, कभी कभी स्पैम में भी आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा मेल ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो मेल है वो कन्फर्म करना है, और कन्फर्म करने के समय आपको जो है राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है, जिससे क्या होगा आपका जो टेम्प मेल है वो बंद नहीं होगा, टेम्प मेल भी ओपन भी रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरा जो वेबसाइट है वो कन्फर्म हो चुका है, मीन्स मेरा जो ईमेल आईडी है वो कन्फर्मेशन डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आप बैकलिंक्स कैसे बनाना वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको बस एडिट करना होगा पूरी साइट को। जैसे आप अपनी वर्डप्रेस को आप जैसे एडिट करते हो उसी तरह से जो है यहाँ पे भी आपको एडिट करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे करके दिखा। तो गाइस सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको बस एडिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, पैराग्राफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो गाइस आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एडिट कर चुका हूँ। आप देख पा रहे होंगे रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए अनलिमिटेड ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो, फ्री में आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। जिसने भी वीडियो नहीं देखा जल्दी जाओ, चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये आई बटन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो है एक और ऑप्शन मिलेगा वो है मैनेज ब्लॉग का। तो गाइस आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको बस मैनेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सैंपल के लिए जो है तीन ब्लॉग आ चुके हैं। तो गाइस सैंपल वाला ब्लॉग का भी रिमूव नहीं करना। सबसे पहले जो है मैं एक ब्लॉग को क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है। सिंपली आपको बस क्रिएट पोस्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल का और कंटेंट का।
कंटेंट जो है कम से कम 300 से 600 वर्ड्स का लिमिट आप रखना गाइस, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस जैसे आप अपना ब्लॉग का अपडेट करोगे वैसे ही आपको जो है यहाँ पे भी आपको अपलोड करना है, सिंपल सा एक अच्छा सा टाइटल और आपका जो कंटेंट हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपडेट कर दिया, मैंने एक ब्लॉग भी बना दिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ सैंपल के लिए। तो गाइस और जो बचे हुए जो 3 सैंपल थे उनको मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे मेरा वेबसाइट रेडी हो चुका है। अब वेबसाइट रेडी होने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको पब्लिश पे आपको जाना है। पब्लिश में जाने के बाद जो है 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो आप कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हो जो पेड होगा, या तो आप फ्री में जो है डोमेन के आगे जो है कुछ भी आप नाम रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए गाइस यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ बैकलिंक सैंपल करके। आपको भी जो है इसी तरह से आपको नाम रखना होगा, जो भी आपका जो कीवर्ड होगा वो कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो या वेबसाइट का नाम आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको बस डन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा। लोड होने के बाद जो है आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो या डू फॉलो बैकलिंक्स है, और जो आप जो ब्लॉग बनाओगे वो ब्लॉग दिखने में कैसे रहेगा वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू साइड का ऑप्शन मिल गया। तो गाइज इसको मैं न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइज यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लिंक्स यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो या डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। तो गाइज ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। इसके अलावा गाइज जो ब्लॉग मैंने जो सैंपल के लिए जो बनाया था उस ब्लॉग को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप अपना ब्लॉग को रेडी करोगे आपका ब्लॉग जो है इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे जो है मैंने वीडियो को अपलोड करा हुआ है। तो गाइस इस तरह से आपको जो है बैकलिंक्स आपको क्रिएट करना है, इस तरह से आप पोस्ट बना के आप अनलिमिटेड बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पे एक लाइक जरूर करा करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि गाइस बहुत जल्दी 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।